हेलो दोस्तों, INC24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाकर हमारी न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करें। जरिए आम लोगों के चालान उनके घर तक पहुंच जाते हैं, यह तो आपने अक्सर सुना होगा। लेकिन इंदौर में सरकारी सिटी बसों का भी इन कैमरों ने चालान बनवा दिया। RLVD कैमरों की नजर से अब शहर की सड़कों पर लोक परिवहन के लिए चलने वाली सिटी बस भी नहीं बच रही है। ऐसा ही एक मामला सिटी ऑफिस पर अधिकारियों के समक्ष आया, जहां ट्रैफिक विभाग की तरफ से सिटी बस द्वारा ट्रैफिक सिग्नल के नियमों को तोड़ने के कारण ई चालान भेजा गया। चालक में बस के नंबर के साथ ही उसका फोटो और समय भी है, और यह भी बताया गया है कि किस जगह पर सिटी बस चालक ने ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन किया है। चालक मिलते ही अधिकारियों के होश उड़ गए। दरअसल यह सिटी बसें इंदौर में प्रशासन की देखरेख में चलती है। इसे चलाने वाली कंपनी के CEO SDM स्तर के अधिकारी होते हैं और MD होते हैं कलेक्टर। इंदौर नगर निगम महापौर को इस सिटी बस कंपनी का अध्यक्ष पद मिला हुआ है। ऐसे में अधिकारियों ने ट्रैफिक सिग्नल वायलेशन के इस केस को गंभीरता से लेते हुए संबंधित ऑपरेटर और ड्राइवर के खिलाफ कार्यवाही की बात कही है। अफसरों का कहना है कि सभी ड्राइवर को सख्त हिदायत दी गई है कि वह यातायात के नियमों का पालन करें, और अगर कोई भी ड्राइवर इसमें लापरवाही बरतता पाया गया तो उस पर विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी। इसके साथ ही जो भी चालान की राशि होगी वह ऑपरेटर से ट्रैफिक विभाग को भुगतान करवाई जाएगी। बसें चलती हैं उसमें ये चालान की कार्रवाई हो रही है, पुलिस की गाड़ियों के चालान क्यों नहीं आते सर? देखिए, हम अपने ड्राइवर और ड्राइवर्स को लगातार ट्रेनिंग देते हैं और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लगातार चलता है, और बहुत ही क्लियर निर्देश रहते हैं कि यातायात के सभी नियमों का पालन करें। यदि किसी कारणवश भी किसी नियम का उल्लंघन होता है तो जो ये चालान आते हैं वो ऑपरेटर की जिम्मेदारी है कि उसका वो भुगतान करें और जमा करें। साथ ही यदि किसी बस के यदि ज़्यादा ई चालान होते हैं, लगता है कि ड्राइवर ठीक तरीके से गाड़ी नहीं चला रहा, तो हम उस पर कार्रवाई भी करते हैं। हम बिल्कुल क्लियर हैं कि किसी भी यातायात के नियम का उल्लंघन नहीं सहन किया जाएगा और किसी भी उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, नगर निगम यातायात तो पूरा सपोर्ट करता है हर चीज़ में, देखे तो सिटी बस भी ई चालान से दूर रखा जाए? नहीं, मेरे ख्याल से जो यातायात के नियमों का पालन है वो सभी का कर्तव्य है, दायित्व है, और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। वो हमारी बसें हों, शासन की बसें हों या नगर निगम की बसें हों, वो पूर्णतः नियमों का पालन करें, और लगातार निर्देशित भी किया जाता है हमारे ऑपरेटर्स और ड्राइवर्स को। तो यातायात के नियमों को पालन किया जाना बहुत ही प्रायोरिटी वाली चीज़ है। थैंक यू।